गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल रीड लेसन नंबर 4 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इन दिस लेसन ए पर्सन नेम्ड हॉरिस डेम्बी, ही वॉज ए मैकेनिक, ही मेड लॉक्स and he was 50 years old, a single person, and he used to steal things once a year to meet his needs of reading the books, the expensive and rare books he used to read, and stole things once a year in order to meet the need of his instinct, which are to read the books, to read the expensive books. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि thief को पकड़ने के लिए दूसरे thief को आप set करो. But it is also said that there is honor among thieves. लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो thief होते हैं उनमें आत्मसम्मान होता है, एक दूसरे का respect करते हैं वो. Which saying does this story illustrate? इन में से, इन दो सेंग में से कौन सी जो कहानी है इलुस्ट्रेट इस पर प्रकाश डालती है, कौन सी इसमें से सच है? लेट्स सी। एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डेम्बी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर व्यक्ति ये सोचता था कि जो हॉरिस डेम्बी था वो काफ़ी अच्छा ऑनेस्ट ईमानदार नागरिक था, व्यक्ति था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड, वॉज 50 years old था, unmarried था, and he lived with a housekeeper who worried about his over his health. और वो एक नौकरानी के साथ रहता था, नौकरानी उसकी health के बारे में काफ़ी worried रहती थी। In fact, he was usually well and happy except for the attacks of hay fever in summer season. लेकिन वैसे वो healthy था, he was hale and hearty. Though he was suffered from allergy from the flower hay fever in summer season, ग्रीष्म ऋतु में hay fever को होता था, only problem was that with him. He made locks and was successful enough in his business to have two helpers. वो ताले बनाता था और अपने business में काफ़ी सफल, successful था, और दो helpers, two helpers भी रखता था अपने साथ. Yes, Horace Demby was good and respectable. हाँ, हॉरिस डेम्बी एक अच्छा व्यक्ति था, रिस्पेक्टेबल था, रेपुटेड व्यक्ति था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था। लेट्स सी हाउ ही वॉज डिसऑनेस्ट टू सम एक्सटेंट। 15 ईयर्स एगो हॉरिस हैड सर्वड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले उसने एक सजा काटी थी जेल में, जेल की एक लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो काफ़ी दुर्लभ किस्म की और जो महंगी किताबें उनको पसंद करता था। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो हर वर्ष वंस ए ईयर स्टोल थिंग्स। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। हर वर्ष एक बार वो जो चाहता वो उन चीज़ की चोरी करता, और इतनी चोरी करता, इतनी चीज़ें वो लूट लेता, इतना धन वेल्थ कि एक साल तक, 12 महीने तक उसको आराम से चल जाता। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और जिन बुक्स को पढ़ता उसको सीक्रेटली गुप्त रूप से एक एजेंट के माध्यम से खरीदता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल अदर्स। जुलाई का महीना था, ब्राइट सनशाइनिंग थी, और उसने सोचा कि अन्य चोरियों की तरह इस वर्ष की चोरी भी सक्सेसफुल रहने की उम्मीद है। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेन्स, लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। 2 सप्ताह तक उसने क्लोजली, उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जिस घर में उसको चोरी करनी थी, कि इसकी वायरिंग वगैरह, इसका जो रास्ते वगैरह कैसे हैं, और इसके जो गार्डन है उसको उसने गहराई से माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया, स्क्रूटनाइज किया।
This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to movies. इस घर में जिसको ये लूटने वाला था, was going to rob. इसमें दो सर्वेंट थे जो कि मूवी देखने के लिए गए थे और बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स थे had gone to London. Horace saw them go and he felt happy in spite of the little tickle of hay fever in his nose. Horace था वो काफ़ी खुश था in spite of little tickle, थोड़ी सी झुनझुनाहट से sensation in his nose, उसमें जो hay fever जो उसकी एलर्जी थी फ्लावर से वो उसको sensation से हुई, बाकी वो happy था. He came out from the behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. गार्डन वाली दीवार से वो पीछे से उसने एंट्री की और अपना जो टूल्स था, साजो सामान था, उसको केयरफुली पैक्ड किया, ध्यान से पैक किया और अपने पीठ के ऊपर रखते हुए चल पड़ा. देर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ. अब कहता है कि जो ग्रैंड सेफ जिस घर को वो लूटने वाला था, उस घर का जो सेफ में वेल्थ थी, जो कि मनी था, वो उसकी जो वर्थ थी वो अराउंड 15,000 थी. इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. और वो कहता है कि अगर मैं इसको रोब कर लूँ, स्टील कर लूँ इसको, इस सेफ को, तो इतना इसके अंदर धन है जो एक एक करके भी अगर मैं इसको बेचूँ इसके सामान को, तो भी 5,000 अराउंड ये बनेगा, जो कि अगले वर्ष तक इनफ है, काफ़ी है. देर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग फॉर द सेल इन द ऑटम. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम. अब जो तीन बुक्स ऑटम सीजन में पतझड़ के मौसम में नई नई जो बुक्स एक्सपेंसिव जिसको रीड करता था वो आने वाली थी, और नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम. अब वो उसके पास पैसा आने वाला था और उससे उस पैसे से जो बुक्स आने वाली थी नई एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स उसको खरीदने वाला था. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. अब उसने एक सर्वेंट को की को हुक के ऊपर हैंग लटकाते हुए देखा आउटसाइड बाहर. ही पुट ऑन द पेयर ऑफ ग्लोव्स, टुक द की एंड ओपन्ड द डोर. उसने ग्लोव्स पहने, दस्ताने पहने हाथों में, की ली और दरवाजे को खोला. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. और वो इस बात के लिए बड़ा मेटिकुलसली रोबरी करता था. वो ही वॉज वेरी अवेयर अबाउट द फिंगरप्रिंट्स, नॉट टू लीव द फिंगरप्रिंट्स, देयरफॉर ही यूज्ड टू वेयर द ग्लव्स इन हिज हैंड. ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, इट्स टेल मेड ए नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे. एक कुत्ता वहाँ पे बैठा था, स्मॉल डॉग लाइंग इन द किचन में, और इट स्टीड ये थोड़ा सा हिला डुला, इसने शोर मचाया, मेड ए नॉइस, शोर किया, और मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ को मित्रवत ढंग से, जैसे फ्रेंड्स ले डॉग होते नॉन डॉग, वो वेजिंग द टेल, ऐसे उसने शेक किया अपने टेल को फ्रेंडली वे में. ऑल इट्स सेरी हॉरिस सेड एज ही पास्ट. अब हॉरिस ने कहा कि ऑल राइट सेरी मीन्स इट वॉज द नेम ऑफ द डॉग, एंड वेन ही नेम द डॉग करेक्टली द डॉग थॉट दैट इट वॉज ए नॉन पर्सन टू हिम, सो ही वॉज वेजिंग इट्स टेल टू सी द हॉरिस. ऑल यू हैड टू डू टू कीप द डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम by their right name and now show them love. अगर किसी कुत्ते को, और इस डैम भी ये कहता है कि अगर किसी कुत्ते को आपको शांत रखना है, क्वाइट रखना है, पीसफुल रखना है, तो उसको आप उसके नाम से एड्रेस करो, कॉल करो. वो क्या समझेगा, ही वुड थॉट दैट द मैन इज नोन टू द डॉग, और वो क्वाइट चुप रहेगा. एंड शो दैम लव, और उसको थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करो. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting.
ड्राइंग रूम में ये सेफ थी, तिजोरी थी, और ये एक पेंटिंग के पीछे थी, वो एक गंदी सी पेंटिंग थी जो डर्टी सी, नॉट अट्रैक्टिव। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। और होरेस को एक बार तो सरप्राइज हुआ कि उसको ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, उसको पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए, जो बुक्स का उसका फाउंड ऑफ बुक्स था, फाउंड ऑफ रीडिंग बुक या कलेक्टिंग बुक्स था, उसके वजह उसको पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या था, बट दे टुक अप मच रूम इन ए स्मॉल रूम स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। लेकिन ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, पिक्चर ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते, लेकिन बुक्स को वो अरेंज कर देता थोड़ी सी स्पेस में ही। तो उसने सोचा बुक्स वर बेटर, बुक्स ही अच्छी हैं।